हमरा तरफ से पाल लगी बहुत बहुत स्वागत बा ये कार्यक्रम महादंगल में। अब हम आज फिर से रुआ सबका परिचय अपना सरपंच महोदय लोगन के करावत नहीं। हीरा लाल यादव जी, भरत शर्मा व्यास जी, बालेश्वर जी, तो अपना सरपंच महोदय लोगन से हम करबद्ध प्रार्थना करतानी कि पर्ची निकाल के इरवा बताएं कि आज का मुकाबला किकरा से की करबा। दुर्गजन यादव, नीतू राज, देखा ये भैया नौकी गोल और पुरनकी गोल में ठन गई। कहे का मतलब आज के मुकाबला का पर्ची दुर्जन भैया के साथे निकल गई नीतू राज का। हाँ, तैयारी तो बड़ी जोर में लागत बा। तैयारी तो बटली बा, चला देखल जा कि आज के मुकाबला में के पछाड़ेला। पछाड़ेला मतलब समझे लू, बिरहा के भाषा में अगर कहल जाए तो आज ई देखे के चापेला। अच्छा, तो चला पता चली कि के कितना पानी में बा। चला तो चली नीतू जी, होखे के चाही चली शुरू हो जाए। अरे अरे अरे, सुना 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 सुना, अब का बा खिचड़ी है का की गप दिखा जी, चली शुरू करी। तब बोली का बात बा, कैसे शुरू करवा देबू, तब तू कहा हम शुरू करी, हम कही हम शुरू करी, ऐसे ना होई। एकर सहारा टास के लेवे के पड़ी। एकरा के पॉकेट में रख दी ना। पॉकेट में ना रख, अभी है बताई कि आज के गाई हो जाओ ना। हो जाओ। राजा दुर्जन यादव जी। दुर्जन भैया ऐसन गावा, ऐसन कर जा, ऐसन बरसा कि चारों तरफ लेव लग जाओ। ठीक बा, ये बिरहा नंगल तो होखबे करी, बाकी ओकरा पहले हम ले तानी एगो छोट सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बा ये कार्यक्रम बिरहा नंगल में। दुर्जन भैया चाप देवे के है, शुरू हो जा। अरे का बजा देला ए भाई, मोर छोटकी न हो मोर छोटकी पतोहिया बड़ी काम करे कबो न। कबो मोरे पास आवे मोर गोड़ दबावे, बड़ा भोर में नहा के राम राम करे कबो ना, राम करे ना। अच्छा भैया सुना, एक बिरहा आप लोग के सुनावो थी, अब बिरहा ही हंसे वाला हो, लेकिन बढ़िया बात हो, भगवान चर्चा हो, एक शुरुआत हो गई। लंका जीत सिया संग राम, अब आए अवधपुरी के धाम, खुशी में जनक राम को भेजे हैं संदेश। भगवान राम लड़ाई जीत के अलन है लंका वाली, ससुराली से खबर आई गई। भगवान राम एक बार अपन बंदरी सेना लिया के होता, तनी हम जनकपुर में बंदरी लीला देखल जात। बढ़ जाइ हो मास्टर एक पर्दा। बहुत बढ़िया लाइन निर्गुण गीत हो, नीतू अपने पर मत सोचा भैया, देखा कर अंदाज हो।
अरे झूलनी में गोरी लागा हमार जिया, लिखे वाले कवि के धन्यवाद हो। कवन सोनरवा बनायो रे झुलनिया, जोई पहिरा सोई नाचा हमार पिया। कितना खुश हुआ भगवान राम ससुरारी की नाव पर, अरे आइल जनकपुर से पाती अवधपति, अच्छा देखा उनके संघे के जात हो के? सात सुग्रीव अयंगद जामवंत जवान चले, सात सुग्रीव अयंगद जामवंत जवान चले, सबके आगे से हनुमान सीना तान चले, कहे भगवान जामवंत को बुला करके हसाना नाम ना ससुरार में तू जा करके। भगवान ही कहलन कि भैया ससुरारी में पहले बेर बुलावा हो तो इसने हिसाब से रहा कि हमार मर्याद बढ़ जाए। जामवंत से कहलन का कहलन का? लाज ससुराल में हमारी तू बचैया दादा, और जैसे खइया वैसे सबके खियैया दादा। हंसत खेलत सब चलल बनरवा, पहुंचे जनकपुर के दासी अवधपति। गांव के बहरे बगीचा में भगवान पड़ाव डाल देलन, राजा जनक अपने दामाद राम से भेंट अइलन। यहर बंदर लोग के भगवान को मर्याद बढ़ावे के हो तो का भेल, ससुर दामाद को सीने से जब लगाए हैं, ससुर दामाद को सीने से जब लगाए हैं, देख के जामवंत पांव को बढ़ाए हैं। तनी गोड़ी हो आगे बढ़ौलन, हम सीना से सीना मिल रही। राजा जनक सोचलन कि बनरन से का सीना मिलाई, और हनुमान जी के शंका हो गई। इतनी लड़ाई लंका में लड़ल गयल, कौनो सरवा भगवान का राम सीना नापा वाला ना मिलन, अई बुढ़वा सीना नापत हो, और ससुरारी में कुश्ती लड़ जाई तो मर्यादा खराब हो जाई। जंतु हनुमान जी का कहलन, बंदरी सेना को ललकार के झटपट धाया, पकड़ लो साले कोई राम से लड़ने आया। कोनो बंदर गट्टा इतने कोनो अड़ंगी बजा देने, भगवान राम कहने खबरदार, कहने बोला मत महाराज। बड़ी लड़ाई लंका में लड़ल गए, कोनो सरवा सीना नापे वाला मिलन ना, तो से ही बुढ़वा कुश्ती लड़के निकल जाई, हमन के जीएल बेकार हो। कहना दोहाई भाई लोग को मर्याद हमार बहुत बढ़ा देला। अरे हमार ससुर हुन, कहने ये सब आपके बतावे के चाहिए, हमन तो खाली आपको पोजिशन बढ़ावत हई। कहना कोनो अंडस ना हो, गांव में हल्ला मच गया। अरे का ए बहनी सीता, अयोध्या में कुल बनरे जनबल हुन का हो, बिरहा का टेक लग गया। तू फनवा ससुरारी में मचल, सखिया मारे मिलके सीता के मेहनवा, तू फनवा ससुरारी कैसन सखी है अयोध्या नगरी, कैसन दुल्हा बाय तुहार, कैसन सखी है अयोध्या नगरी, कैसन दुल्हा बाय तुहार, और मालूम होला अवधपुरी का सभी गवार बाटी नार, जिनके कोखी में गवार बंदर भालू लेलने अवतार, नीच जात बंदर का जाने कैसन मजा मिले ससुराल। Ah!
अच्छा तो इतने पे दुआरे से सनेस आ गए ससुरार में आये हुआ लोग चला तनी दरवाजे पर जलपान कैला तनी साई है नीतू अपने जीभी का पानी संभारा भैया काहे पे दे एमे हमार कवि जी मिठाई का नाव गिनोले हुन लोग चल गए दरवाजे पर बंदर भालू भगवान राम के संगे एक ठे तर्ज आ गई तर्ज हुई है सुना हो अरे हिरनिया आई हाय हाय हिरनिया आई रे चोली में गोली भर के हिरनिया ए भैया तनी यार सुना ई तो तर्ज रहल लेकिन वहां का भेल हो गया मिलन जल पाने की अरे समैया आई रे दोना में भर भर बन रन के मिठैया आई रे ध्यान से सुन लिया भाई लोग बड़ी मिठाई खेले हो बा सुना कौन कौन मिठाई आईल इमरती पापड़ी जलजोग बना रस वाली इमरती पापड़ी जलजोग बना रस वाली जलेबी जौहरी गुल जामुन थी काली काली सुरमा काकनी मगदले हजरिया आयल और लड्डू लाखनी पेड़ायो टिकरिया आयल बतासा कुल्फी मोद अठारह सिंघाड़ा आला खाला खाला पिया लेके से बारा खाला जूही जा करी संदेश के गुछे गुछे अपुनिया रे वड़ी दलमोट भी अच्छे अच्छे पोसम पंतुआ मुरब्बा याली सान बनल जो संदादरा जखूनी लबे जान बनल बानरी सेना का रफ्तार रसगुल्ला टपके तरा तर ताजा ताजा ऊपर गुलगुल्ला टपके हाय ये सब मिठाई आ गई पानी पिए के और जामुन के मुहे में को दाते ना ही रहा अब वो अपन मन बनोने की आज करिए के चापा को तू अपन बात ना ना समझो थो नी तू ये मिठाई का बात हो और रखले गुलाब जामुन यह रस के चलाल पेटे पर जामुन जी ये लगल सोचे कि पेटे वाला रस अगर चाटत ना है तो भगवान का ससुरारी में पोजिशन बिगड़ जाये और हनुमान जी कुल बंदरन से कहलन कि चचा की नकल एकदम दुरुस्त करे के हो तो जब ही पेटे वाला रस चाटे लगलन तो कुल बंदर अपन अपन जीभ निकाल के पानी पिए के टाइम मार फटाफट मार झटाझट मार लपालप पहले चटौवल शुरू कर देलन जानत हुआ का कहलन चाटा चाटा बुढ़ावा कहे अरे बुढ़ैया आई रे दोना में भर भर बनरन के मिठैया आई रे भगवान एकदम नाराज बाबा अरे बाप रे बाप गांव के बहरे हमारे ससुर के पटक के मुआवो जात रहलन और दुआरे पर ना जलपान करे तो चटौवा शुरू कर देलन एक पर्दा फिर बढ़ जाई हो बाबू कहना सुना मर्जात बहुत बढ़ोला भाई लोग खाना जब तैयार होई एक ठे घंटा बजी अब बिना घंटा बजले खाए मत जाया एक ठे तर्ज बदल गई अरे झुमका गिरा रे झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे हे भैया कुल बंदर वही दुआरे को ताकत हुन कहे बदे की घंटा बजी तो खैका मिली का कहत हुन कब घंटा बाजी कब घंटा बाजी मोरे राजा के दरबार में कब घंटा बाजी रे मोरे राजा के दरबार में कब घंटा बाजी रे मोरे राजा के दरबार में कब घंटा बाजी रे लगे रहो भाई का जोहद 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 और जोहद जोहद राह भूख से गए सभी अकुलाई भगवान कहलन कि भैया घंटवा बजी तबे जाया हनुमान जी कहलन एक बंदर से कैठे बजावे तो कह एक ना कह तना ठोक देबे कल काहे ना ठोक देब कहलन जा ठोका उ तो हुआ ना राज न घंटा बजी ने खाना मिली तब का भैया धीरे से एक बंदर जागो धीरे से एक बंदर जाके घंटा दिया बड़ा धीरे से
दौड़ पड़े हैं, दौड़ पड़े हैं, दौड़ पड़े हैं, दौड़ पड़े हैं सारे बंदर, रोक रहे रघुराई, मगर रुके ना, रोकन से चटे आसन लिए जमाई है। कब घंटा बाजी, कब घंटा बाजी रे, खूब मिले मजा ससुराल में, कब घंटा बाजी रे, कुल मिला के अपने घंटा बजाए के अपने खाए बैठ गईलन। हारमोनियम वाले बाबू एक पर्दा फिर बढ़ी। एक बात तनी सुन ला भैया लोग, बराते में गाड़ी ना गवा तो बरतीहन का मन उदास हो जाला। अरे वो तो भगवान ससुरार गयल हुन, अब वहाँ मेहरारू गाड़ी गावत हैं औरतन का गीत हो, ए नीतू ये में तो हर बड़ाइए हो। बारात में मेहरारू सो गाड़ी गावे नहीं, गावे लगी हन खतयाए गई शहर बनारस से, खतयाए गई। देखा भैया गाड़ी बहुत खराब हो, अब ब्याह में गाड़ी ना गवात, बर्तिया कहना कि मजा नहीं आए, वो सब स्त्री लिंग पुलिंग का ध्यान नहीं देती ना, ढोलक हारमोनिया बजे जान दो कैसे गावे नी, थोड़ा आज मारे गो, थोड़ा काल मारे गो, थोड़ा दिया देवारी के बाद मारे गो, खतयाए गई। अब भाई एक गोल का न हो रही, बुढ़िया लोग जेकरे मुँह में दांत ना, बड़ा खुशहाली का दिन ब्याह होला, ऊ गावे लगी हन, चिट्ठी पावेला कि ना, पावे आवेला कि ना, चिट्ठी बाँचेला कि ना, बाँचे आवेला कि ना, बहिन बेचेला कि ना, बेचे आवेला कि ना, जंगा जोड़ेला कि ना, बस दांत ना देखा मजा लेला तब सही हो। अब तनी साग तरकारी का नाम सुना, ससुरारी में भगवान खाए बैठल हूँ, वहाँ का मेहरारू गावे थे, अब हम तो मिठाई का नाम सुन ला, आप साग तरकारी का नाम सुना, घोटा घोटा, घोटा घोटा मसाला, घोटा हो घोटा घोटा, घोटा घोटा मसाला, घोटा हो एक लाइन मन पर बैठा ला भैया लोग, तग पैता परोरा कतरकारी, जियो सही है, आम नींबू आयो नमकीन बनल फारी, आलू कटहर केवाचा रसदारी, घंटा बंडा तरोइया झर झारी, अरे चटनी अचार घोटा, मरचा झरार घोटा, लौकी हजार घोटा, रायता खटार घोटा, घोटा तो नतनिको कचोटा, घोटा घोटा मसाला, यह गाड़ी गवा था तबले नौनिया आ गए, कल बहनी तनी हमहू के घोटा लेवेदा, भगवान राम बड़ा भाग से आए ससुरारी मिलल हुन, ऊ का घोटा वो था टिंडा लव जान घोटा, भिंडी भूटान घोटा, टमटम कचान घोटा, सोया करान घोटा, सलजम महान घोटा, लौकी बिहान घोटा, घोटा है लमका घोटा, को भैया तू लोग हल्ला कहके नीतू में हमरे में झगड़ा तो ना लगावत हुआ, लमका सोटा का मतलब खराब ना हो, सैजन वाली तरकारी लम्बा लम्बा होले, फिर बढ़ गल हो बाबू, काम शुरू हो, सब बंदर लोग इंतजार करत हुन कि जामोन तो दादा जैसे खयन वैसे खाए के भगवान के पोजीशन बढ़ावल जाई। एक ठे तर जाए गई हमहन के गांव में गावल जाले ग्रामीण गीत हो, एक बुढ़िया माई लोग भिनसहरा के गावे लिन, जब गंगा स्नान करे जई हन, अरे बोले हरी बसवरी ऐ में सुगना, बोले हरी बसवरी ऐ में सुगना,
अच्छा तो कटहर का तरकारी परोसल है और बंदर लोग जो हूँ की दादा मतिन खाएल जाई जामुन का कैलन दबा तरकारी छटकी गैली पिया उछड़ गई सोचने की मुहे में ना लोकत है क्योंकि पथरी पर गिर जाई भगवान का मर्जात खराब हो जाई तो जामुन का कैलन बुढ़ऊ उछल बिया मुह में लिया हनुमान जी कहने की जियो मेरे शेरो अब की बार सही नकल करना कुल बनर अपन अपन बिया उछड़ा दिलन बुढ़ऊ उछल बिया मुँह में लिया वे रामा सब ही बनरवा छलंगिया कहा हनुमान की जिया हो सिर जिया दाबे तरकारी छटकी गई जिया भाई साहब बतौली की बिरहा हंसे वाला हो वो भगवान का चर्चा हो इनमें फूहर पातर बात ना हो आप लोग इतना खुश हुआ जनकपुर का लोग बड़ा खुश रहन काहे बदे बंदरी लीला देख के अब गाना का हमारे आखिरी भाव हो अरे जाके ससुरारी में बाल कर दिए ओ धन रे त्रेता के बनरवा कमाल कर दिए बनरन से बतिया कहले कुसियाई और सब तो सब घोटाला अंजनी लाल कर दिए अधर त्रेता के पनरवा कमाल कर दिए शेर के ऊपर सवा भिड़ा के कहा अच्छा बरिया दे क्यों घमंड करता गवार नीचे को शीश झुका ले तूफनवा ससुरारी में मचल दुर्जन परसिधन का नए तर्ज का गनवा तूफनवा ससुरारी में दुर्जन जी वाह जितना हम उम्मीद ना कर रही उसे भी बढ़िया रहुआ अपन कार्यक्रम पेश कैनी आज जब हमके इतना बढ़िया लगल तो हे महुआ चैनल के दर्शकन लोगन के कितना बढ़िया लगल हुई कहो प्रिया ज्यादा खुश मत होखी नीतू जी के बिरहा से पहले हम ले तानी एगो छोट सा ब्रेक ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बा महुआ चैनल के कार्यक्रम बिरहा दंगल में प्रिया जी हाँ जी हमारा दुर्जन जी के गाना रुआ सुन ली कितना खूबसूरती से तरकारी के नाम मिठाई के नाम दुर्जन जी गिनौल हाँ एकरा जवाब में रुआ कुछ कहल चाह हमार शेरनी राउर सामने खड़ा बारी अब सुन ले रुआ नीतू जी हमन के आज विजय जी के ऐसन बैंड बजावे के बा यही से रउआ शुरू हो जाई महुआ चैनल के तरफ से आप सब लोग के सामने ये बिरहा का शानदार मुकाबला हमार और दुर्जन जी का आप लोग के सामने जात बा रउआ लोग पसंद करो तो कहना बा हमारे क्लाइंट के ऊपर का कौनो मेहरारू के बियाह होइल ओकर दुल्हा तनी पुरनिया मिल गई अब वो बेचारी
आपन बात बतावत बा का बतौल बुढ़वा बतार कैले कौन स्वाद हो मरे लाल बंदा भतार कैले चावन स्वाद हो मरे लाल बंदा सुतल हिलावे करिया हो मरे लाल बंदा सुतल हिलावे करिया हो मरे लाल बंदा सुतल हिलावे हो मरे लाल बंदा। यहाँ से भी रहा शुरुआत हो गई, चार लाइन भूमिका लिखल गई, देखा है दुर्जन जी? एक एक पत्ती चापत्र लाना, हम इकट्ठे पत्ती चापे जाती। आई सुना बुढ़ौती में आलू हमसे लड़े ताव तनी चाप के पत्ती तो छिप छिप के आंसू बहाने लगे, दम का तूफान दिल का दर्द बन गया, और लखन टेर रघुबर सुनाने लगे, चयन नींद मेरा चयन खो गया, शांति पाने की युक्ति लगाने लगे। हमारी और इता का बड़ा तरकारी के रसगुल्ला के नाव गिन उला। आप देखा हम बतावा थी एक गजल लगल, बड़ी सुरीली गजल, कैसे अगर दिल हाय अगर दिल दिल से टकराता रहेगा, अगर दिल दिल से टकराता से नीमन भाव बा, यगर हम प्यार में जलते रहेंगे, यगर हम प्यार में जलते रहेंगे, यगर हम प्यार में जलते रहेंगे, मजा ले लो मजा आता रहेगा, मजा ले लो मजा आता रहेगा, मजा ले लो मजा रहेगा। लेकिन हमारे कहानी विराह के हमें से शुरुआत हो गई, कैसे के चाह में जब राम याह भरने लगे, जुदाई जख्म अपनी पीरह में वो मरने लगे, शांति यज्ञ एक लखन मैं कराऊंगा, तर्त शाम को मैं आपसे बताऊंगा, मैं कोई नहीं बुलाएगा, अगर ऐसा हुआ तो जान से हो जाएगा, बाबूजी बात के समझ ले ही। दोनी समय अयोध्या श्री रामचंद्र जी माता सीता लक्ष्मण के साथ अयोध्या में वन से आयल बाड़न, कुछ दिन बीतल अपने राज में, इधर उधर टेने उन्हें टहरत बाड़न, धोबी और धोबिनिया दोनों आपस में टकराव कैले, धोबिया ताना मरलास, हम मेहरारू ना ही कि मर्द का बात बर्दाश्त करब, बता दे कहा थे वहाँ के हम मरद ना ही कि भागल मेहरारू रख ले ना हम ना रख, धोबिया कही बतिया रामचंद्र जी के कर जवा में साल दलास, आइला आके माता सीता के हमें त्याग कैला, माता सीता के वन भेजवा दिला, लक्ष्मण जब वन से छोड़ के अइलन त रामचंद्र जी एगो बात कल अपने शांति के लिए यज्ञ रखला, वह यज्ञ में एगो शर्त रख दिला, कौन शर्त? गीत लग गई
सुन गौला सुना, हम हो एगो चीज बाड़ी ना जाने ला ना, आज बता दे का बाड़ी। काली तेरी चोटी है परंद तेरा लाल नी, हाय रूप की ओ रानी तू परंदे नु संभाल। किसी मन चले का तुझ पे आ गया जो दिल होगी पाड़ी मुझके, लेकिन ये सब बढ़िया भाव लग गई बिरहा में का भइल जो ने समय आदेश देलो पहरे पे लखन जी दिया तू पहरवा। आवे नहीं पावे कोई महल के मधारवा, ले बगारा दन्या उतारिया हमार जीरना। खड़े पहरे पर भाई लखना बिरना, रीति राई तब बोले है बचना, राम से करावा जाई मोर लक्ष्मण राम कहां हुआ बहुत जल्दी हमार मुलाकात करावा। तब दुर्वासा ऋषि से लक्ष्मण जी कहत हुन का कहत हुआ यह कला कि बाबा बाबा हो बाबा। बाबा हो हम नहीं जइबे भैया कैसा मनवा ये बाबा। लक्ष्मण कलन लक्ष्मण कहत हुन कि सुना आज हम ना जाई भैया के सामने, दूसरे दिन आवा भेंट करा देब। दुर्वासा गुस्सा गइलन कलन कि ए राम, अरे तू नइखे जानत कि हम के हई, जानत हो हम के हई। दुर्वासा गुस्सा कहे, अरे दुर्वासा गुस्सा कहे रघुवर को तुम्हें बुलाना है, अरे वरना जानो लखन लाल मैं अपना साफ सुनाना है। अरे अगर तू ऐसा नहीं किया, अरे अगर तू ऐसा नहीं किया तो अपना श्राफ सुना दूंगा, अरे पावन तेरी इस नगरी को मिट्टी में अभी मिला दूंगा। बाबूजी उस समय दुर्वासा ऋषि यह बतिया कालन, लक्ष्मण सोच में पड़ गई ना चिंता में, तक का करत हुआ बाबा कि अरे अयोध्या हमारी माटी ना होई, तेरी बोलत रहा सुना कि अयोध्या हमारी माटी ना होई, अरे भाई के गर्दन को चाहे भाई। बाबूजी लक्ष्मण सोच पड़ गई ना गई ना बोलावे कि ऐसा ना हो कि पूरी अयोध्या नाश करे के बात करत हुआ, आखिरकार दुर्वासा ऋषि हो नाश कह दिया तो हम का करब। चल देना राम के बुलावे, तब गीत लगल बड़ी सुंदर गीत का बाबा कोनो दुलही ना अपने दुल्हा से कहल हाय रे हाय रे का करी, हमार तो किस्मत ना फूट गई लैसन मिलल हे भगवान। लेकिन हे भगवान वो दुलही ना अपने दुल्हा की याद के कथे की हे प्रभु हे मालिक इनके ना कथी मर्दवा, हम उनकर बात कर थी का कलस कि जवन जवन कहबा सैयां पर माना बाजनी गिया में अमती जाऊं विदेश राजा चढ़ली जवनिया में, मती जाऊं विदेश राजा चढ़ली। लेकिन दुर्वासा ऋषि कहत हुआ श्री रामचंद्र जी से का कला अगिया लगा ला राम कुल की पगरिया में,
आगिया लगा ला राम कुल की पगारिया में हम हवा देखैबा कैसे यवद की नगरिया में दुनिया संसार तो के पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के नाम से जाने ला मुँह लटका के बैठल हुआ बारह रसगुल्ला गिनावत रहा है काटा काटा लेकिन कहत हो क्या कहत हो कि गाई का जहान आब तो हराई की दिया भाई का प्रीतिया अमृत के धार बाटे जानकी अंगूरिया में मुहावा देखैबा कैसे दुर्वासर ऋषि रामचंद्र जी के कह लगले कि कवन मुंह देखैबा अयोध्या में तो के पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कहल जाला रे ऐसा अनहोनी के दवा मेहरारू के प्रेम में अनहर बन गईला आखिरकार कहे के पड़ल वहां कलन की जात जानकी के बोला के लियावा जानकी की उंगली में अमृत के धार बा लक्ष्मण के प्राण उहे से वापस आई तब हनुमान के याद कैलन भइल का अरे त चल जाला बजरंगी तौने छनवा मनवा लागल बा अरे त चल जाला बजरंगी तौने छनवा मनवा लागल बा हठेर लगाए सरोवर की नरवा मनवा लागल बा जी जा करके हनुमान जी तीनों त्रिलोक चौदह भुवन में माता सीता के खोजत परेशान एक सरोवर के किनारे पहुंचला माथा पटक के रोवत बड़न कने हे माई या तो अपन बेटा बनाला या तो अपन भक्त बनाला माई आज अगर तू हमरे सामने हमरे आगे दर्शन ना देबू तो हमी हमें अपन सर पटक पटक के जान दे दे माई हम अयोध्या में कौन मुँह लेके जाई हे माई हमरे सामने आवा हमके दर्शन दा बाबू जी माता सीता ये आवाज के जब सुन ली तो आल्हा लगल कैलिन का बाबा अरे निकली सरोवर से सीता महारानिया बाबू अलग काट के गिरा देले बाड़न अले के गोदी में रोवत बाड़न ओ समय सीता कलि का हो ए औकात पे आ गईला देखा देला कि हम ना रहले तू कितना बड़ यार भक्त हवा का कहला आखिरकार माता सीता दुर्वासा कलन की अब देर मत करा देवी तोरे उंगली में अमृत का धार बा अपने देवर के प्राण के बचा लिया माता सीता अपने उंगली के चीर के बाबू अपने देवर के प्राण के बचौली आखिर में रामचंद्र जी को बात कहलन का कहला अरे बोल पड़े रघुराई तब सीता से बतिया बोल पड़े रघुराई तब सीता से बतिया आया तू झनकर पाया नवा जीवन के साथिया अरे
में देवी और दिल से तोहरी इच्छा अब भाई नारी के बदले यार लिहला कठिन परीक्षा अरे उड़ी रथ में माया नवा भाई पागल मतिया अब तो जनकार पाया नवा जीवन के सतिया आखिरकार रामचंद्र जी तो देखल कलन की हे हमके छोड़ के मत जा हम तोरे बिना ना जी पाए हम मर जाए तोरे बिना का ताकत हो तो के कथी का ए बाबूजी आखिरकार माता सीता के लिए तुम मार दवा तो हम मेहरारू आई मेहरारून के सब कमजोर समझेला हम बता दे मेहरारू कमजोर ना होली आखिरकार माता सीता जहाँ से अली वही रथ में बैठ के बाबू चली गई कहानी हमें खत्म हो गुरुदीन मोहम्मद राम सेवक सिंह अरे राम दयाल भी ख्याता कथन करे कवि कयाल लाल जगलू यादव से नाता हो अयोध्या हमारी माटी ना होई अरे अयोध्या हमारी माटी ना होई रामू नीतू राज का सतगुरु आसू राधी अयोध्या हमारी वाह रउआ तो आज सच में हिला के रख देनी तो जवाब मिल गई विजय जी जवाब तो का बताएं लेकिन हिला जरूर देलु भाई ता दोनों कलाकार लोगन के हमने का बुलावल जाई आ अपना सरपंच महोदय लोगन का राय जानल जाई कि दोनों कलाकार में के कैसन गौलस एकरा पहले एक छोटा सा ब्रेक ले ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत बा महुआ चैनल के कार्यक्रम बिरहा दंगल में। अब हम अपना सरपंच महोदय लोगन के राय जानल चाहब कि दोनों कलाकार में कैसन कार्यक्रम पेश भेल सबसे पहले हीरालाल यादव जी यह कार्यक्रम दोनों कलाकारन का अच्छा भेल प्रदर्शन भी अच्छा भेल और पीछे से ललकारे लोगन भी जौन हो खूब ललकारलन जनता का मन खुश रहल लेकिन उम्र के लिहाज से दुर्जन भैया बहुत अच्छा हासरस और नीतू जी वही जगह से शुरू कैलिन और राम चर्चा बढ़िया रहल है भरत जी रउआ बताई आज के मुकाबला रउ के कैसे लागल बहुत अच्छा दुर्जन जी अपन प्रसंग सुनौनी हाँ नीति जी भी अच्छा प्रसंग सुनौनी हाँ हम केहू के 19 केहू के 20 ना कहब अतने कहब कि जे सह जाला वो रह जाला जे हड़बड़ा जाला वो ढह जाला जे आस की उम्मीद ना छोड़ेला ओकरे नु कबो कबो लह जाला नाथल व नथाइल नहीं खे नाथल व नथाइल नहीं खे अभिघासे खेदाइल नहीं खे बछरू बा कूदे फाने द कहीं के अभी कान पर जुआठ धराइल नहीं खे बाबा बाबा व्यासी बा व्यासी व्या व्यासी बार व्यासी कोनो जवाब नहीं खे हाँ तो हम बालेश्वर जी से चाहब रुआ बताई ये कलाकार दई के लाल हैं ये महुआ को चैनल को हिला के रख देंगे मैं दोनों को बधाई देता हूँ और एक महिला का पहला बड़ा स्तर का प्रोग्राम देखा जिंदगी में हमने और जो हमारे दुर्जन भाई तो गा ही रहे हैं बाकी लड़की आगे चल के बहुत नाम करेगी